कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन यदि y बराबरी से साइन इनवर्स x पूरे की घात 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। इसको सिद्ध करने के लिए हम जानते क्या कि हमारे पास दिया है y बराबरी से क्या साइन इनवर्स एक्स पूरे की घात कितने दिए 2। जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो मान आएगा वाई वन बराबरी से क्या 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अंडर वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। पुनः इसका अवकलन करने जब हम पुनः अवकलन करते हैं तो y1 की जगह आ गया y2 बराबरी से 2 को हमने आगे की तरफ लिख लिया। अब हम अंश का अवकलन करेंगे तो अंश का अवकलन मतलब साइन इनवर्स x का, तो ये क्या होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और हमने किसका अंश का अवकलन किया, हर वाले पद को अंश में गुणनफल में लिख लेते तो क्या हो गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इसको साइन इनवर्स एक्स यथावत। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 बटे 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे की घात क्या होगी ऋण 1 बटे 2। पुनः माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन क्या होगा माइनस 2x, और इस पूरे के बटे में जो बटे वाला पद है उसका वर्ग हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे की घात कितनी 2। y2 को अब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो y2 बराबरी से 2। ध्यान से देखिए इससे ये तो पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, तो क्या आ गया यहाँ 1 धन, इससे क्या आया ये 2 से 2 कट गया, ऋण से ऋण धन में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी प्लस एक्स एक्स इंटू क्या साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे की घात ऋण 1 बटे 2, क्योंकि यहाँ वर्ग हो गया तो यहाँ पर ये करनी से बाहर आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू बराबरी से 2 प्लस 2 का यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो गया एक्स इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पावर माइनस 1 बाय 2 है तो इसको बटे में ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी। अब ये हमारे पास यदि समीकरण नंबर कौन सा था, ये हमारे पास यदि समीकरण नंबर 1 था और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 था, तो इसकी जगह पर y1 रख सकते हैं। तो कौन से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कौन से समीकरण 1 से क्या करने पर मान रखने पर, जैसे हम मान रखेंगे तो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू बराबरी से 2 प्लस एक्स इंटू वाई वन। ये एक्स इंटू वाई वन को बाएं पक्ष में ले जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस क्या एक्स वाई वन बराबरी से 2। अब इसको वाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, वाई टू को हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और वाई वन को क्या लिख सकते हैं हम डी वाई बटे डी वाई बटे डी एक्स बराबरी से कितना 2। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। दी गई कंडीशन देखिए, यदि y बराबरी से e^m cos इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वेयर वाई बराबरी से कितना 0।
क्योंकि हमारे पास दिया है y इक्वल टू ई रेस टू एम कॉस इनवर्स, y इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू कॉस इनवर्स x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर कंडीशन क्या आएगी, ध्यान दीजिए, y1 बराबरी से इसका जब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आएगा e रेस टू m इंटू कॉस इनवर्स x माइनस m बटे कॉस इनवर्स x का अवकलन, हम में से सब जानते माइनस वन बाय वन माइनस एक्स उसके, ये अंडर रूट के अंदर आ जाता। अब इसका अगर तिर्यक गुणा कर दिया, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो मान क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन बराबरी से ई रेस टू क्या एम कॉस इनवर्स एक्स, इसके क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग। जब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्णी चिन्ह हट जाएगा। कर्णी चिन्ह हटने पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन आएगी, क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन बराबरी से ये वाई वन के स्क्वायर बराबरी से एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, जब पुनः एक्स के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो वाई वन स्क्वायर का अवकलन कर रहे तो क्या मिलेगा, टू वाई वन एन टू वाई टू। अब नेक्स्ट स्टेप में वाई वन स्क्वायर की बजाय वन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वाई वन स्क्वायर इसका जब अवकलन करेंगे तो आएगा टू एक्स, लेकिन उसके आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस टू एक्स बराबरी से इसका जब अवकलन करेंगे तो वो होगा एम स्क्वायर, तो यथावत होगा टू इंटू वाई इंटू वाई वन। अब ध्यान से देखिए तो इन सारे पदों में टू वाई वन कॉमन है, तो सभी पदों में किसका, टू वाई वन का क्या करने पर, भाग देने पर। यदि सारे पदों में टू वाई वन का हम भाग दे दें तो ऐसी कंडीशन में जो पद मिलेंगे उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला पद क्या मिलेगा, तो पहला पद मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू वाई वन का भाग दे चुके तो बचा क्या आया, वाई टू, टू वाई वन का भाग दे चुके क्योंकि यहाँ वाई वन की घात दो थी एक, इसलिए एक वाई वन बचा, तो क्या बचेगा, माइनस टू वाई वन का दे दिए है तो बचा क्या, एक्स वाई वन बराबरी से टू वाई वन यहाँ से गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ, एम स्क्वायर वाई। अगर एम स्क्वायर वाई को इधर पक्षांतर कर लिया जाए तो कंडीशन आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई बराबरी से कितना, जीरो। और यही तो अपने को सिद्ध करना था, हम इसको लिख सकते हैं क्या, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। दी गई कंडीशन है वाई बराबर साइन इंटू साइन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि वाई टू प्लस वाई वन टेन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबरी से जीरो, क्योंकि हमारे पास दिया है वाई बराबरी से साइन इंटू साइन एक्स। ये है समीकरण नंबर एक, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब हम इसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन करते हैं, तो कंडीशन वाई की जगह वाई वन हो जाएगा, साइन एक्स का, साइन का हम जानते हैं कास हो जाएगा, कास इंटू साइन एक्स, पुनः इस ब्रैकेट के साइन एक्स का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, कास एक्स, पुनः किसका, पुनः
किसका? एक्स की सापेक्ष अवकलन। जब फिर से हम इसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करने पर क्या आएगा, वाई वन की जगह वाई टू, कॉस साइन एक्स पहला पद इंटू कॉस एक्स ये दूसरा पद हो गया। तो मान लो पहले पद को यथावत रहने दे रहे हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस। अब इस दूसरे पद को यथावत रहने दे और पहले का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ये कॉस किससे बदल जाएगा, साइन में, सॉरी पुनः ध्यान से देखिए, ये कॉस किससे बदलेगा, माइनस साइन एक्स में, ये बदलेगा किस में, माइनस साइन एक्स। यहाँ सर्पाकार कोष्टक लगा रहे अपन, और ये तो वैसे ही रहेगा, सॉरी इसको अपन यहाँ से लिख देंगे, ये पद ज्यो का त्यों कॉस एक्स, उसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, साइन एक्स वैसे ही, और इस साइन एक्स का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो वाई टू बराबरी से जो आ गया वो क्या है, वो हमारे पास है, यहाँ देखो माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स को पहले लिख लिया, इंटू कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। फिर इसके बाद में यहाँ ध्यान से देखे, इसको ध्यान से देखे, तो कॉस कॉस स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन साइन ब्रैकेट में क्या, साइन एक्स। ध्यान दीजिए, साइन इंटू साइन एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, किसको, साइन इंटू साइन एक्स को हम क्या लिख सकते, वाई लिख सकते हैं। तो हम इसको ये लिखेंगे क्या, समीकरण दो में, कौन से, समीकरण एक से, क्या करने पर, मान रखने पर। तो मान क्या होगा, देखिए वाई टू बराबरी से हमने लिखा माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट में क्या, साइन एक्स, फिर क्या, माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब यदि ये पहले पद के बटे में किसका, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स का गुणा करें, इसके इसमें बाकी किसी में नहीं, तो क्या, माइनस साइन एक्स इंटू किसका गुणा कर रहे हैं, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स का, साइन एक्स कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, ये बाकी पदों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो ये कंडीशन देखिए, वाई टू बराबरी साइन एक्स बटे कॉस एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं, जो ब्रेकेट के अंदर बच रहा है उस पद को समझो, कॉस एक्स इंटू कॉस इंटू साइन एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं ये तो वाई वन के बराबर है, ये किसके बराबर है, वाई वन के बराबर है। तो इसके स्थान पर अगली स्टेप में हम क्या लिख देंगे, वाई वन। तो मान क्या होगा, वाई टू बराबरी से माइनस टेन एक्स, इस पूरे पद के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वाई वन माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, तो राइट से जब लेफ्ट ले जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए वाई टू प्लस क्या, वाई वन आगे पीछे लिखा जा सकता है टेन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबरी से कितना, जीरो। और यही तो अपने को सिद्ध करना था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।